हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेगा रिसर्च एकेडमी। आज हम फिर से आपके लिए न्यू लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बैटरी के फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं किया था, केवल मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में हमने पूरा डिस्क्राइब किया था विद द हेल्प ऑफ फिगर। फिगर के थ्रू हमने पूरा इसका जो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको हमने पूरा विद द फिगर डिस्क्राइब किया था। आई होप कि आपने प्रीवियस लेक्चर देख लिया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा मेल सेक्स ऑर्गन किसे कहते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन किसे कहते हैं। ठीक है, तो जो मेल सेक्स ऑर्गन था मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। तो उसके बाद जब मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आता है। इस लेक्चर में हम फर्टिलाइजेशन के बारे में ही पूरा डिस्कस करेंगे। तो फर्टिलाइजेशन सिंपली आपने इंटर में भी पढ़ा होगा, जब मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं तो डिप्लॉयड जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, फर्दर उसके आगे प्रोसेस होता है। ठीक है, जायगोट भी माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करता है। ठीक है, फोर टू टू न्यूक्लियस में टू से फिर वो ऐसे फर्दर डिवीजन चलता रहता है, टू से फोर, फोर से एट। ठीक है, तो जो आज हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में, इसमें जो पूरा प्रोसेस है मेल एंड फीमेल गैमेट का, जो इसमें फ्यूजन होगा, मैंने इसमें बताया भी था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो ओगैमेट टाइप का होगा। तो इसमें जो फीमेल गैमेट होगा वो लार्ज होगा और मेल गैमेट जो होगा स्मॉल होगा। तो ये बहुत ही ध्यान देने वाली चीज है। अगर आप फिगर में ड्रॉ करेंगे तो फीमेल न्यूक्लियस जो रहेगा उसे बड़ा बनाएंगे और मेल न्यूक्लियस को छोटा बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो मेल गैमेट होता है स्पर्मेसिया। ठीक है, स्पर्मेसिया जो होता है मेल गैमेट होता है, फीमेल जो होता है कार्पोगोनिया के अंतर्गत अंदर होता है। ठीक है, तो दोनों का जब फ्यूजन होता है तो जायगोट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो स्पर्मेसिया होता है, स्पर्मेसिया मेल गैमेट, वो जैसे ही ट्राइकोगाइनी, ट्राइकोगाइनी मैंने बताया था जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है कार्पोगोनियल ब्रांचेस के अपर, ठीक है, अपर पार्ट में ये ट्राइकोगाइनी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये फ्लास्क शेप्ड होता है। तो यहाँ पे आके जब स्पर्मेसिया अटैच होता है बॉडी से ट्राइकोगाइन के, तो इनके जिस पोर्शन, जिस भाग पे इन दोनों का कांटेक्ट होता है वहां की जो लेयर होती है वो डिसॉल्व कर जाती है। डिसॉल्व करके एक ही लेयर बन जाती है दोनों की, तो जिससे जो मेल गैमेट होता है वो इंटर कर जाता है कार्पोगोनियम, कार्पोगोनियम के गैमेट के पास, फीमेल गैमेट के पास, और अंदर चला जाता है, जिससे इन दोनों का आपस में फ्यूजन होता है और फर्दर जायगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यही पूरा प्रोसेस चलता रहता है फर्टिलाइजेशन में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है पूरा। फर्टिलाइजेशन द स्पर्मेसिया आफ्टर देयर लिबरेशन फ्रॉम स्पर्मेटेंजियम आर कैरिड पैसिवली बाय वाटर करंट टू ट्राइकोगाइनी ऑफ द कार्पोगोनियम। ठीक है, देखिए इसमें लिखा क्या हुआ है, द स्पर्मेसिया आफ्टर देयर लिबरेशन ऑफ स्पर्मेटेंजिया। देखिए मैंने जब मेल सेक्स ऑर्गन बताया था तो उसमें बताया था कि स्पर्मेटेंजियम का जो प्रोटोप्लास्ट है वो फर्दर मेटामॉर्फोसिस होता है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब चेंजिंग होती है, उसमें चेंज करने के बाद वो मेल गैमेट में चेंज हो जाता है। तो मेल गैमेट में चेंज तो हो जाएगा लेकिन वो किसके अंदर है, स्पर्मेटेंजियम मतलब स्पर्मेटेंजिया के अंदर अंदर है उसी सेल वाल के। जब ये लिब्रेट मतलब यहाँ से ये बाहर आता है, लिब्रेट मतलब बाहर आना। ठीक है, मतलब इसकी बाल जब फट जाते हैं तो ये मेल गैमेट जो रहता है स्पर्मेसिया ये बाहर आता है, फिर देन क्या होता है, आर कैरिड पैसिवली बाय वाटर करंट। और ये वाटर करंट के थ्रू, वाटर के फ्लो के थ्रू क्या होता है, ये तो पानी में पाए जाएंगे, बटरिकोस्पर्म जो एल्गी है ये पानी में पाया जाएगा। ठीक है, तो पानी के जो बहाव होता है उसके थ्रू ये कहाँ पहुंच जाएंगे, ट्राइकोगाइनी ऑफ द कार्पोगोनियम। ठीक है, जो कार्पोगोनियम का ऊपर वाला भाग जिसे हम ट्राइकोगाइनी कहते हैं वहां पे जाके ये अटैच हो जाएंगे। ठीक है, व्हेन ए स्पर्मेसियम कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द ट्राइकोगाइनी, ठीक है, द वॉल बिटवीन ट्राइकोगाइनी एंड द स्पर्मेसियम डिजॉल्व एट द पॉइंट ऑफ देयर कॉन्टेक्ट। ठीक है, वही चीज मैंने अभी आपको बताया शॉर्ट में, जब व्हेन स्पर्मेसियम कम्स इन द कॉन्टेक्ट विद ट्राइकोगाइनी, जब मेल गैमेट आता है और कांटेक्ट करता है ट्राइकोगाइनी से, द वॉल बिटवीन ट्राइकोगाइनी एंड स्पर्मेसियम डिसॉल्व एट देयर पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पे ये फ्यूज
फ्यूज कर रहे हैं आपस में, अटैच हो रहे हैं, तो इन दोनों के बीच की जो वॉल है डिसॉल्व हो जाएगी और मतलब धंस जाएगी, फिर एक ही वॉल बन जाएगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। द मेल न्यूक्लियस मूव इनटू द कार्पोगोनियम, द मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस फ्यूज इन द बेसल पोर्शन ऑफ कार्पोगोनियम एंड फॉर्म ए डिप्लॉयड जायगोट, ठीक है। तो मेल न्यूक्लियस जो होता है वो कार्पोगोनियम के अंदर चला जाता है, जैसे ही ये वॉल डिजॉल्व होती है मतलब एक हो जाती है, तो यहाँ का जो न्यूक्लियस होता है वो इंटर कर जाता है फीमेल कार्पोगोनियम के अंदर, ठीक है, अंदर वाले फिलामेंट में चला जाता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, द मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस फ्यूज टू बेसल को, फिर बेसल पोर्शन पे ये फ्यूज करते हैं ऑफ द कार्पोगोनियम, कार्पोगोनियम के अंदर, एंड द फॉर्म डिप्लॉयड जायगोट, और क्या होता है डिप्लॉयड जायगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये रहा पूरा प्रोसेस फर्टिलाइजेशन का, इसमें ज्यादा कुछ भी काटने लायक नहीं है, जितना लिखा है इतना आपको इंक्लूड करना पड़ेगा एग्जामिनेशन पेपर में, ठीक है। तो इसमें देखिए विद द हेल्प ऑफ फिगर के थ्रू देखिए, ये आपका स्पर्मेटेंजियम है, ये आया ट्राइकोगाइनी ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, ऊपर वाला भाग स्वेलन है, नीचे ये नेरोलाइक है, ठीक है। तो ट्राइकोगाइनी जो है ये आया यहाँ पे ट्राइकोगाइनी के सरफेस पे अटैच हुआ स्पर्मेटेंजियम, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये कार्पोगोनियम फिलामेंट है, फिर इन दोनों के बीच की वॉल डिजॉल्व हो गई, वॉल डिजॉल्व होने के बाद इसका जो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस ये इंटर कर गया यहाँ से थ्रू इसके बेसल पोर्शन पे चला है कार्पोगोनियम के, देखिए यहाँ पे मेल न्यूक्लियस है और फीमेल न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो गए, क्योंकि यहाँ पे जो ये न्यूक्लियस है ये कार्पो फीमेल न्यूक्लियस यहाँ पे पहले से ही प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो मेल न्यूक्लियस आके इससे फ्यूज हो गया, फ्यूज होने के बाद देखिए यहाँ पे मेल न्यूक्लियस मैंने छोटा बनाया है और फीमेल बड़ा न्यूक्लियस बताया, ठीक है। तो मेल न्यूक्लियस आके यहाँ पे आपस में फ्यूज हुआ, फ्यूज होने के बाद क्या फॉर्म किया, जायगोट का फॉर्मेशन हो गया। फिर क्या होता है देखिए, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, आफ्टर फ्यूजिंग द न्यूक्लियस मेल एंड फीमेल गैमेट द ट्राइकोगाइनी श्रिंक, मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन ट्राइकोगाइनी श्रिंक, आफ्टर फर्टिलाइजर मतलब फर्टिलाइजेशन की बात क्या होता है, ये जो ट्राइकोगाइनी की वाल है ये श्रिंक करने लगती है, देखिए छोटा हो गया, इसकी जो मतलब एरिया था वो सिकुड़ने लगता है, ठीक है, क्योंकि जो न्यूक्लियस है जो प्रोटोप्लाज्म है यहाँ का सूखने लगता है, जिसके कारण इसमें श्रिंकिंग आने लगती है, ठीक है, ये सिकुड़ जाता है ट्राइकोगाइनी आफ्टर फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजेशन के बाद ये ट्राइकोगाइनी का जो पोर्शन होता है भाग होता है वो सिकुड़ जाता है। तो ये आपका जायगोट न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया इन बैक्टीरिया के केस में। तो ये रहा आपका पूरा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, ये छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन आई होप कि आपको विद द फिगर एंड थ्योरी दोनों समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, हम आपको फिर से इसका डाउट के लिए न्यू वीडियो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आपका ये जो ब्रैचियोस्पर्म हैबिट एंड हैबिटेट, थैलस स्ट्रक्चर, ब्रांच ऑफ लिमिटेड एंड ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, ठीक है, फिर मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन और फर्टिलाइजेशन, ये इतने टॉपिक कवर हो चुके हैं। अब इसके दो टॉपिक बचे हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद का जो चेंजिंग होगा वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। इसके बाद एक और लेक्चर, दो लेक्चर में आपका ये पूरा बच्चे को स्पर्म खत्म हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ से 6 नंबर का जो गेनिंग मार्क्स है 6 नंबर लेके आता है आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, 6 मार्क्स का होता है, ठीक है, 6 मार्क्स का होता है। तो आपका 6 मार्क्स यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ फिगर। फिगर आपको एक भी नहीं भूलना है, आप अगर थ्योरी में कुछ कम लिख रहे हैं तो चलेगा, लेकिन फिगर आपको पूरा कंप्लीटली बनाना होगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया फर्टिलाइजेशन। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजिंग के साथ, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, प्रीवियस लेक्चर को विदाउट स्किप किए हुए एक एक लेक्चर को अच्छे से कवर कीजिए, जिससे आपको सफिशियंट नोट्स भी मिल जाए और हर चीज कवर भी हो जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।